नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ आसानी से। आज तारीख हो गई है 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचारों पर। नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। CBSE के छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर के लिए भयंकर चेतावनी जारी की गई है। बढ़ती महंगाई पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। आइए दोस्तों एक एक करके आज की सभी बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। CBSE ने साल 2021-22 के लिए एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में करवाई जाएंगी। CBSE ने अपने सर्कुलर में बताया कि 2021-22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया है। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवम्बर दिसंबर और दूसरे टर्म की मार्च अप्रैल में आयोजित की जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर टैक्स को कम करने की मांग की है। राजस्थान में पटवारी भर्ती से जुड़े करीब 14 लाख बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर आई है। रीट के बाद पटवारी भर्ती अक्टूबर में आयोजित करवाई जा सकती है। 4421 पदों पर आयोजित होनी है पटवारी भर्ती। पश्चिम बंगाल में सेंध लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी सोमवार को ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। BSP प्रमुख मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर दिया गया बयान मुँह में राम और बगल में छुरी जैसा है। इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मायावती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा। मायावती ने कहा कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के करीब एक हफ्ते बाद श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन पर बैन लगा दिया है। इससे पहले राजौरी और कठुआ में भी बैन लगाया जा चुका है। अब श्रीनगर में ड्रोन की खरीद व बिक्री पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। जिन लोगों के पास ड्रोन है उन्हें पुलिस स्टेशन में ड्रोन जमा करवाने होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस बीच SBI रिसर्च की रिपोर्ट में अगस्त तक तीसरी लहर आने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि थर्ड वेव का पीक सितंबर में आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर की पीक से 2 गुना या 1.7 गुना हो सकता है। राजस्थान में मॉनसून की आहट के बीच अनेक जिले अब तेज गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने विभिन्न जगहों पर लू चलने की चेतावनी दी है। बुधवार को चूरू व करौली में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा धौलपुर, पिलानी, गंगानगर, अलवर में भी तापमान 44 डिग्री के पार रहा, जबकि बीकानेर में 43.1 डिग्री व जयपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के विभिन्न जिलों में लू चलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अब भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा भीलवाड़ा, धौलपुर और बाड़मेर जिले में अटकने की वजह से मानसून की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई है। मानसूनी वर्षा होने में अभी भी 1 सप्ताह तक का समय और। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।